नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण पांच ना ऑनलाइन लेक्चर नी अंदर आपनु स्वागत छे। आजे आपणे थोड़ुं परीक्षा लक्षी कर नाखशुं एटले आपणने फायदो थई जाय। एमां पहेलो प्रश्न छे, नीचेना प्रश्नोना जवाब पाका करीने लखो। नीचेना प्रश्नोना जवाब पाका करीने लखो। एमां पहेलुं छे, डाकू सरदार को किस बात का पछतावा हुआ। डाकू सरदार को किस बात का पछतावा हुआ। त्यार पछी बीजो, डाकुओने लड़के से क्या सीखा। डाकुओने लड़के से क्या सीखा। त्यार पछी, तालाब में पानी भरने से दुमदुमा गांव को क्या फायदा हुआ। तालाब में पानी भरने से दुमदुमा गांव को क्या फायदा हुआ। त्यार पछी, हम नगर पालिका की कैसे मदद कर सकते हैं। हम नगर पालिका की कैसे मदद कर सकते हैं। त्यार पछी पांचमू, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आ बधा प्रश्नों पहला तमारे पाका करवाना, पछी तमारे जवाब लखवाना, जेवू आवड़े एवा। त्यार पछी आगळ, कहानी के हिसाब से घटनाओं को सही क्रम में लिखिए। ओली दुमदुमा वाली जे कहानी रही, ईज दुमदुमा वाली ई कहानी नो साचा घटनाक्रम मुजब तमारे लखवाना छे। वाक्य बधाय आडावरा छे पाठना, पर तमारे साचा क्रम में लखवाना छे। एमां पहेलुं वाक्य छे, एक दिन बच्चे इकट्ठे हुए। त्यार पछी बीजू, बच्चों ने पानी की कमी दूर करने की सोची। दुमदुमा गांव में पानी की कमी थी। बारिश का पानी गड्ढे में भर गया। त्यार पछी, बच्चों ने तरह तरह के विचार किए। लोगों ने खेतों की सिंचाई की। उन्होंने एक गड्ढा खोदने का विचार किया। तो आप बताई रही हूँ आडावड़ा क्रम में छे, तेने तमारे पाठना क्रम ना आधारे तमारे गोठवाना छे, एटले पाठ पण तमारे जोतू जावानू छे। त्यार पछी आगळ जोईए, शब्दनो उपयोग करी वाक्य बनावो। तो आ जे शब्दों आपेला रिया एमांथी एक एक वाक्य बनावानो। दाखला तरीके रंगबेरंगी होय तो रंगबेरंगे उपरथी एक वाक्य बनावानो। त्यार पछी छोटा, त्यार पछी होशियार, त्यार पछी थोड़ा, त्यार पछी सुंदर, त्यार पछी पांच, त्यार पछी काला अने त्यार पछी फल। एवी रीते तमारे शब्दनो उपयोग करीने नोखा नोखा वाक्य बनावाना छे। कुल आठ वाक्य थाशे। त्यार पछी शब्द समूहनो अर्थ लखो। एमां पहेलुं छे, फल आदि का आवरण। फल आदि का आवरण एने शुं कहेवाय ए तमारे लखवानुं। कचरा डालने का पात्र अने सात दिनों का समूह। सात दिनों का समूह। त्यार पछी નીચેના વાક્યોનું ગુજરાતી કરો। નીચેના વાક્યોનું ગુજરાતી કરો તો એ પાઠની અંદરના નથી પણ મેં બનાવેલા છે, એ તેનું તમારે ગુજરાતી સામે કરવાનું એટલે તમને ગુજરાતી કરતાં પણ આવડી જાય। પર્યાવરણ કી રક્ષા કરના હમારા ધર્મ હે। પર્યાવરણ કી રક્ષા કરના હમારા ધર્મ હે। ત્યાર પછી હંમેશા સચ બોલના ચાહીએ। હંમેશા सच बोलना चाहिए। त्यार पछी सत्य ही ईश्वर है। सत्य ही ईश्वर है। त्यार पछी गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। आनू तमारे गुजराती करवानू। कई कई वस्तु करवानी तमारे, पहला प्रश्न रिया इने पाका करी पछी एनो जवाब लखवानो। त्यार पछी કહાનીના ઘટનાક્રમ મુજબ તમારે વાક્ય ગોઠવવાના। ત્યાર પછી શબ્દનો ઉપયોગ કરીને વાક્ય બનાવવાના, શબ્દ સમૂહનો અર્થ લખવાનો છે અને નીચેના વાક્યોનું ગુજરાતી કરવાનું છે। તો આટલું રાખીએ, આગળનું આપણે આવતા લેક્ચરની અંદર કરશું। ઓકે, આવજો।